गाइज मोटर का तीनों फेस का वायर लग गया है और प्लस माइनस भी इधर लगा दिए हैं। आप देखिए ये जो वायर रहा इसका सारा कपलर देख रहे हैं आप, ये थ्रोटल का है, रिवर्स का है और अपना ब्रेकिंग का हो गया जिससे मोटर का पावर कट होता है 48-60 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हो गया, और रिमोट वाला बजर के लिए हो गया, की स्विच का वायर हो गया, ये सब सारा आ जाता है। अगर आप की स्विच का वायर नहीं भी लगाइएगा और बजर का वायर लगा देते हैं रिमोट वाला बजर, जो ये वायर देख रहे हैं आप, ये रिमोट वाला स्कूटर में आता है, सभी स्कूटर में आता है रिमोट सिस्टम, तो ये भी लगा दीजिएगा तो आपका जो है कंट्रोलर चालू हो जाएगा। ये वायर में आप टेप मार के इसको चला के देख सकते हैं। आप डायरेक्ट ये दोनों कपलर लगा दीजिए, रेड वाला देख रहे हैं, ये दोनों रेड वाला, तो इससे क्या होगा आपका कंट्रोलर स्टार्ट हो जाएगा। और ये थ्रोटल का वायर है, मैं स्पेशल इसके लिए लंबा वायर लगाया हूँ क्योंकि पहले चला के इसको देखेंगे, उसके बाद इसका जो कनेक्शन है बड़ा वाला सॉकेट जो है उसको कट करके उसमें कनेक्शन कर देंगे बढ़िया से। और अभी जो है ये वाला वायर मैं लंबा करके लिया हूँ थ्रोटल का वायर, और इसमें चला के देखने वाला हूँ, और बाकी वायर इसका खुला रहेगा। ऐसे स्कूटर में चला के देखे हैं दूसरे स्कूटर में और इसमें नहीं देखे हैं, तो इसमें चला के देखने वाले हैं कि इसका स्पीड क्या है और क्या मोटर कैसा चल रहा है, हीट वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो ये मैं चला के देखने वाला हूँ। ऐसे नॉर्मल में मालूम चल जाता है, आप थोड़ा भी चला के घुमा के देख लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। तो इसको मैं चला के देखने वाला हूँ थोड़ा दूर 2-1 किलोमीटर, उसके बाद मैं इसको पूरा कंप्लीट इसको फिट करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है दोनों स्क्रू को मैं यहाँ टाइट कर देता हूँ कि ये कंट्रोलर हिले ना, उसके बाद ये थ्रोटल का वायर है मैं थ्रोटल इसमें फिट करता हूँ, उसके बाद चला के देखता हूँ। तो ये 2 स्क्रू रहा देख रहे हैं आप, इसको मैं इसमें फिट करता हूँ। तो फाइनली गाइस जो कंट्रोलर है इसको मैं सेट कर दिया हूँ इसमें, और इसका कैप भी आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर कैप जो दिया है ब्लैक कलर का, ये वाला कैप देख रहे हैं आप, ये भी लगा सकते हैं क्योंकि अगर इसमें कुछ टच हो गया तो दिक्कत होगा। तो ये जो है यहाँ मैं टाइट कर दिया हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ टच नहीं होने वाला है क्योंकि ये सब टाइट है, इसमें कोई लोहा या ऐसा चेजिस टच नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स हो गया है, ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आप खुला रखते हैं तो इसको लगा दें, कंट्रोलर अगर खुला रखते हैं हिल रहा है तो इसको कैप लगा दीजिएगा, तो क्या होगा इसमें कुछ टकराएगा नहीं। तो अब मैं थ्रोटल का जो कनेक्शन है वो करता हूं और उसके बाद चला के दिखाता हूं कि मोटर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फाइनली गाइस इसका जो है वायर वगैरह जैसा सेट किया जाता है वैसा मैं सेट कर दिया हूं, बजर का वायर लगा दिया हूं और मीटर का वायर जो है मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ, ये जो मीटर का बोल रहे हैं लॉक का की स्विच का वायर कनेक्ट नहीं किया हूँ इसमें अभी, डायरेक्ट मैं कंट्रोलर को स्टार्ट कर दिया हूँ यहीं से रिमोट का बटन दबा के। आप ये अगर प्लस वाला वायर जो आप देख रहे हैं ये की स्विच में जाता है, अगर आप इसको यहाँ प्लस में टच करिएगा तो आपका कंट्रोलर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो आप रिमोट का वायर लगा दीजिएगा तो भी आपका जो कंट्रोलर है इधर से स्टार्ट हो जाएगा, आप चाबी बंद रखिएगा तो भी स्टार्ट हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बैटरी का वायर, मैं बैटरी नीचे रखा हूँ और कनेक्ट कर दिया हूँ, देख रहे हैं नीचे बैटरी पड़ा है ये देखिए, और इसके अंदर अभी बैटरी नहीं डाला हूँ। ये थ्रोटल का वायर है, मैं थ्रोटल का वायर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अलग कलर अलग है इसका, और थ्रोटल ये मैं यहाँ रखा हूँ, देखिए ये लंबा वायर लिया हूँ इसका। तो अभी मैं मोटर चला के दिखाता हूँ, स्टार्ट है मोटर, ये जो कंट्रोलर है स्टार्ट है, तो मैं थ्रोटल दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये देखिए देखिए मैं थ्रोटल जैसा जैसा दूंगा वैसा वैसा देखिए स्पीड बढ़ेगा, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए देखिए आप देख रहे हैं ये कितना तेज़ घूम रहा है, और अभी ये उल्टा घूम रहा है तो इसको सीधा घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंट्रोलर में इजीली आप सीधा घुमा सकते हैं। आप मोटर का वायर वगैरह खोलने की इसमें कोई वो नहीं है, मतलब जैसे कि आप खोल के इसको रॉन्ग करिएगा तब आपका जो मोटर है उल्टा से सीधा होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये कंट्रोलर में ऐसा सिस्टम है कि आप जो ये वायर कनेक्ट करते ही आपका जो है कंट्रोलर इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये वायर आप देख रहे हैं, तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा, देखिएगा इसका डायरेक्शन जो है अभी उल्टा से सीधा हो जाएगा, अभी देखिए किस तरफ घूम रहा है देख रहे हैं आप, ये देखिए नीचे की ओर घूम रहा है देख रहे हैं आप, ये देखिए नीचे की ओर घूम रहा है, ये देखिए नीचे की ओर घूम रहा है, तो इसको ऊपर की ओर घुमाने के लिए कुछ नहीं करना है। देख रहे हैं आप वायर जो है इसका सारा कुछ कलर बाय कलर लगा है, ब्लू में ब्लू लगा है, ग्रीन में ग्रीन लगा है, येल्लो में येल्लो लगा है। हॉल सेंसर का भी वायर मैं कुछ नहीं किया हूँ, देखिए इसमें सिलिकॉन वगैरह जैसा मारा है वैसे ही है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया हूँ अभी, बस ये वायर कनेक्ट कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो सेल्फ अर्निंग का वायर है ये देख रहे हैं आप, ये
ये वायर को आप इसको माइनस से टकराइएगा, टच कर दीजिएगा तो ये क्या है वो मोटर जो है उल्टा से सीधा घूमने लगेगा। अगर सीधा है तो उल्टा घूमने लगेगा, इस कंडीशन में ये काम करता है। और दूसरा जो वायर है ये वाला आप देख रहे हैं, ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा करने के लिए है। जैसे कि 48 का बैटरी डाल रहे हैं तो उसके लिए वायर है। तो अभी मैं इसको एक बार टच कर दिया हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये ऊपर की ओर घूम रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए ऊपर की ओर घूमने लगा। ये देखिए फुल एकदम फुल तेज में चल रहा है। और इसका डिस्प्ले जो है अभी मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ, स्पीड वगैरह नहीं दिखाएगा, चाबी चालू करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसका डिस्प्ले कुछ इस प्रकार दिखता है, अभी स्पीड इसमें नहीं दिखाएगा। और यहाँ का थ्रोटल से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मोटर नहीं चलेगा देखिए, क्योंकि यहाँ मैं वायर कनेक्ट किया ही नहीं हूँ। अभी देखिए ये देखिए मोटर चल रहा है, लेकिन यहाँ शो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ सिर्फ बैटरी शो होगा, बैटरी का वोल्टेज यहाँ तक पहुँच गया है, और रीडिंग जो है वो नहीं शो करेगा, किलोमीटर वगैरह शो नहीं करेगा, बाकी इंडिकेटर वगैरह सब काम करेगा। देखिए ये कर रहा है, देख सकते हैं अब हॉर्न वगैरह सब बजेगा। पीछे से मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का लुक, ये देखिए आगे से कुछ इस प्रकार दिखता है। ये देखिए और ये इसका हेडलाइट हो गया, देखिए हेडलाइट DRL में भी दिया हुआ है यहाँ ऊपर, और ये आपका हेडलाइट हो गया। अपर डिपर भी इसका काफ़ी शानदार है, ये देखिए। तो इसका मैं पूरा फुल जो है वायरिंग करके इसमें कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा आपको कि इसका टॉप स्पीड क्या है। तो अभी जो है सेकेंड मोड पे ये चल रहा है, और थर्ड मोड का वायर जो है इसका कनेक्ट करेंगे तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ता है। इसका जो है ये कनेक्शन दिया हुआ है 3 स्पीड का, ये देखिए वायर जो है ये 3 स्पीड का है, इसका कपलर नहीं लगा है। तो सेकेंड मोड पे इसका जो है कंट्रोलर काम कर रहा होगा, क्योंकि सभी कंट्रोलर जो है सेकेंड मोड पे आके अटका रहता है और फर्स्ट और थर्ड नहीं दिखाता है। तो अभी जो है इसका मैं मीटर का कनेक्ट नहीं किया हूँ, पहले सबसे पहले इसको चला के देखना है, और चलाने के बाद फिर मैं इसका जो है कपलर का वायर जो है कट करूँगा, और कट करने के बाद इसमें कनेक्ट करूँगा। ये देखिए जो ये वायर है आप देख रहे हैं, इसमें थ्रोटल का वायर है, रिवर्स का वायर है, मीटर का वायर है, सारा वायर इसमें है। तो ये वायर जैसे कनेक्ट करेंगे तो आपका मीटर वगैरह सारा कुछ काम करेगा। तो मीटर का वायर अगर कनेक्ट करना है तो आपको ये वायर जो ब्लू वाला दिख रहा है ये आप अगर टच कर दीजिएगा मीटर में खाली, तो स्पीड भी दिखाने लगेगा। तो मैं ये कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ सिर्फ टच करेंगे, ये ब्लू वायर दिख रहा है आपको मीटर का, ये देखिए इसमें भी ब्लू वायर है, ये स्कूटर का ब्लू वायर है, और ये कंट्रोलर का ब्लू वायर है। तो ये ब्लू वायर इसमें टच करेंगे तो आपका जो मीटर है शो करने लगेगा। तो चलिए मैं इसको टच करता हूँ। तो मीटर का वायर मैं कनेक्ट किया तो इसमें M का सिंबल आ रहा है, और ये क्यों आ रहा है ये मेरे को अभी नहीं मालूम चला है। तो मोटर जो है रन कर रहा है लेकिन M का सिंबल क्यों आ रहा है वो मेरे को देखना है। और ये मीटर मैं दिखाता हूँ, थ्रोटल दे रहा हूँ तो ये काम करेगा मीटर अभी। और सेकेंड मोड पर है, देखिए जो ऊपर दिख रहा है आपको ये सेकेंड मोड, और अभी मैं थ्रोटल दे रहा हूँ। ये देखिए इसका डिस्प्ले कुछ इस प्रकार काम कर रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए स्पीड बढ़ते जा रहा है। 53 का स्पीड है इसका, देख रहे हैं आप, 53 का स्पीड है, और इसका डिस्प्ले काफ़ी शानदार काम करता है। ये देख रहे हैं आप, ऐसा इसमें कलर वाला लाइट दिया हुआ है कि आगे पीछे घूमते रहता है, ये देखिए। और ये 53 पे काम कर रहा है, और ये बैटरी दिखाता है, ये देख रहे हैं आप, तो ये भी पीछे हट रहा है, इसलिए हट रहा है। ये 72 वोल्ट पे इसका मीटर का वो किया गया है, इसको मैं 60 वोल्ट पे करूँगा तब ये बैटरी पे आएगा, ये बैटरी 60 वोल्ट का है तो तब ये सिस्टम काम करेगा। लेकिन M का सिंबल मेरे को हटाना ज़रूरी है, M का सिंबल क्यों आ रहा है। तो चलिए मैं देखता हूँ इसका जो कहाँ से ऐसा क्यों हो रहा है, और ये नया मोटर है, नया गाड़ी है, नया कंट्रोलर है, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये मेरे को हटाना है, उसके बाद जो गाड़ी है ओके हो जाएगा, और इसको पूरा फाइनल फिट करके बैटरी वगैरह लगा के, इसका हेड कवर नहीं फिट है, हेड कवर खुला है, मिरर वगैरह लगाएंगे, गाड़ी बिकने वाली है। तो ये गाड़ी पूरा कंप्लीट करके इसका थ्रोटल वगैरह का वायर पूरा कनेक्ट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मोटर आपको चला के मैं दिखा दिया, और ये M का सिंबल क्यों आ रहा है और कैसे हटेगा इसको मैं हटा के उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा कैसे कम्प्लीट हुआ।